वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे बच्चों, अज आपां गल करांगे फौज दे विच किवें जाइए, आर्मी दे विच किवें भर्ती होईए। जी फौज विच भर्ती होण दे दो तरीके ने जी। एक तो हैगा जी, तुसीं टैंथ जां प्लस टू पास कीती आ, तुहाडा शरीर वधिया हैगा वा, कद काठ चंगा हैगा वा, तुसीं जो उहदे आर्मी दे रूल्स ने दौड़ लगाउणी, जंप लगाउणा समय दे अनुसार जी तुसीं कढ सकदे हो। एक छोटा जिहा लिखती टैसट हुंदा वा, वो टैसट पास कर लो, तुसीं फौज दे विच एज ए सिपाही भर्ती हो जांदे हो जी। बहुत मुश्किल हुंदा सिपाही दा जीवन, और मेहनत करनी पैंदी आ। जे तुसीं अफसर रैंक जाना चाहुंदे हो जी, पहलां ही सिपाही दी गल कीती सी, हुण गल करांगे अफसर दी। जे तुसीं अफसर रैंक जाना चाहुंदे हो, सरकार तुहानूं मौका दिंदी आ, प्लस टू नॉन मैडिकल ना करो, तुहाडी उम्र 16 साल तों लै के 19 साल दे विच होणी जरूरी है जी। साल दे विच दो वारी टैसट हुंदा जी, अप्रैल मई जां अक्तूबर नवंबर, साल 'च दो वार टैसट हुंदा NDA दा। जो NDA दा टैसट पास कर लो, उस तो बाद तुसीं आर्मी दे विच फौज दे विच जा सकदे हो। जे तुसीं पायलट बनण दे शौक हो, फाइटर प्लेन उडाउण दे शौक हो, एयरफोर्स विच चले जाओ। जे तुसीं समुंदर विच जाना चाहुंदे हो, फिर तुसीं नेवी विच जा सकदे हो। हाँ जी, जेकर तुहाडे प्लस टू विचों वधिया नंबर ने, लगभग 90% तो अबव नंबर ने, फिर तुहानूं NDA दा टैसट देण दी लोड़ नहीं। सीधी डायरैक्ट इंटरव्यू दे के आपां फौज दे विच अफसर बन सकते हैं। NDA क्लीयर करन तो बाद तुसीं फौज दे विच लगदे हो जी लैफ्टीनेंट, एयरफोर्स विच जांदे हो फ्लाइंग ऑफिसर, और नेवी विच वी लैफ्टीनेंट जांदे, सब लैफ्टीनेंट जांदे हो। इह तुसीं वधिया जीवन अपना बतीत कर सकदे हो, देश दी सेवा कर सकते हो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू।